राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजों के साथ ही राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का सियासी रिवाज भी बरकरार रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार की वापसी को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे और एग्जिट पोल में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की बात की जा रही थी, लेकिन राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी। राजस्थान में बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस अपनी हार का कारण ढूंढ रही है। बीजेपी की इस जीत के कई कारण हैं और उनमें से एक बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड। बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान उदयपुर का कन्हैया लाल हत्याकांड, करौली और जोधपुर में दंगों पर पुलिस की नरमी, जयपुर बम धमाके के आरोपियों की कमजोर पैरवी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। कन्हैया लाल हत्याकांड के मुद्दे पर तो पीएम मोदी ने भी गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टिकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा? कन्हैया लाल हत्याकांड के साथ साथ राजस्थान में बीजेपी ने हिंदुत्व के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र भी किया। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का असर राजस्थान के वोटर्स पर भी हुआ, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में साफ तौर पर देखने को मिला है। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी खींचतान का जमकर जिक्र किया। इसके साथ ही लाल डायरी, पेपर लीक, महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। बता दें कि राजस्थान में साल 1993 से एक रिवाज चल रहा है, यहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि रिवाज बदलेगा और राजस्थान में गहलोत का जादू चलेगा, लेकिन ना तो जादूगर का जादू चला, ना ही सियासी रिवाज बदला। जब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए तो 115 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 69 विधानसभा सीटें ही आई हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।